नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा चौकसी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लास्ट ईयर मुझे एक पेशेंट का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि मेरी मदर, जिसकी एज 82 इयर्स थी, उसे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और कल रात से तो खांसी इतनी बढ़ गई है कि पेशेंट पूरी रात लेट भी नहीं पाए। मैंने बोला कि आप मुझे वीडियो कॉल से बात करवाइए। जब हमारा वीडियो कॉल हुआ तो मैंने देखा कि शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल। पेशेंट आगे झुक कर कॉन्स्टेंटली खांस रहे थे और उसकी खांसी में बहुत ही ज़्यादा बलगम की आवाज़ आ रही थी। इसलिए मैंने पेशेंट को एंटीटार 30 5-5 गोली दिन में 3 बार देने के लिए बोला। दूसरे दिन मुझे पेशेंट का कॉल आया कि मेरी मदर को बिल्कुल ही रिलीफ नहीं हुई, उसके कारण हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और हॉस्पिटल में उसका सीटी स्कैन हुआ तो सीटी स्कैन के रिपोर्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, आप उसे घर ले जाइए। आप मुझे रिपोर्ट देखकर बताइए कि क्या होम्योपैथी में इसका कोई इलाज पॉसिबल है। जब मैंने रिपोर्ट देखा तो रिपोर्ट में सेनाइल एम्फिजिमा ऑफ बोथ द लंग ऐसा लिखा था। उसके बाद मैंने पेशेंट को लोबेलिया इम्प्लांटा 30 5 ड्रॉप्स 30 ml पानी में डालकर हर आधे आधे घंटे पर 1-1 चम्मच पानी देने के लिए बोला। 2-3 बाद जब मैंने पेशेंट को कॉल किया कि आपकी मदर को कैसा है, तो उसने मुझे बताया कि मेरी मदर तो दर्शन करने के लिए मंदिर गए हैं। इतनी जल्दी फास्ट रिकवरी आ गई पेशेंट को। जी हाँ दोस्तों, लोबेलिया इम्प्लांटा सेनाइल एम्फिजिमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सेनाइल मतलब कि ओल्ड एज और एम्फिजिमा मतलब लंग का एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारे लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं उसकी वॉल डैमेज हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो किसी भी पेशेंट को अगर सेनाइल एम्फिजिमा डिटेक्ट होता है तो कोई भी पेशेंट ये मेडिसिन ले सकता है, उससे बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि और कौन कौन सी कंडीशन में हम ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके कॉजेस के बारे में देखेंगे, मतलब कि किस वजह से पेशेंट को बीमारी की शुरुआत होती है। अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ही लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत है या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की हैबिट है या फिर कोई पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा टोबैको च्यूइंग की हैबिट है, तो उसके बाद से पेशेंट को गैस्ट्रिक अपसेट की शुरुआत होती है, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी, वो सब शुरुआत होते हैं और उसके बाद में 1 by 1 सारे डिजीज की शुरुआत होती है। अगर किसी भी पेशेंट को यह कॉजेशन है तो हम ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में ये मेडिसिन यूजफुल है। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है अस्थमा, अस्थमा विथ नॉशिया एंड वॉमिटिंग। अगर किसी भी पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है लेकिन जब भी उसको अस्थमा का अटैक आता है साथ में ही बहुत ही सीवियर नॉशिया वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। पेशेंट को अस्थमा के दौरान फेस पर बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है, मुँह में बहुत ज़्यादा सलाई बसना आता है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है और पेशेंट को आगे झुककर बैठने से आराम मिलता है। पेशेंट अपने दोनों एल्बो जॉइंट दोनों नीज पर टिका कर बैठते, इस तरह से बैठने से पेशेंट को आराम मिलता है। अगर अस्थमा में ये सब सिम्टम्स है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट सिम्टम्स है हेडेक विथ नॉशिया एंड वॉमिटिंग, मतलब कि पेशेंट को हेडेक जब भी होता है उसके साथ साथ उसको नॉशिया वॉमिटिंग भी शुरू हो जाता है और पेशेंट को जब भी हेडेक होता है तो आफ्टरनून में शुरू होता है, वो मिड नाइट तक रहता है। आफ्टरनून से मिड नाइट तक पेशेंट को कॉन्स्टेंट हेडेक रहता है। अगर इस तरह का हेडेक है तो भी ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट सिम्टम्स है डेफनेस फ्रॉम सप्रेस्ड ऑटोरिया और सप्रेस्ड एक्सीमा, मतलब कि किसी भी पेशेंट को बहुत ही लंबे टाइम से ईयर में से कोई ना कोई डिस्चार्ज निकलता है, या तो पानी निकलता रहता है या फिर पस निकलता है और पेशेंट उसको कोई भी एंटीबायोटिक से या फिर ईयर ड्रॉप से ठीक करता है या फिर पेशेंट को बॉडी में कहीं पर भी एक्सीमा है और एक्सीमा भी वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन मतलब कि किसी भी तरह की ऑइंटमेंट लगाकर उसे ठीक करता है, तो ये ठीक होने के बाद पेशेंट को डेफनेस आ जाती है, मतलब कि सुनना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस तरह की डेफनेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट सिम्टम्स है इचिंग विथ नोसिया, मतलब कि पेशेंट को कोई भी स्किन डिजीज है, चाहे एक्सीमा है, चाहे सोरियासिस है, चाहे सिंपल इरप्शन है, इरप्शन बिटवीन द फिंगर्स है, पाम की बैक साइड में अगर उसको बहुत ज़्यादा इरप्शन हुए हैं, लेकिन उसको कोई भी स्किन डिजीज में जब भी खुजली आती है तो खुजली के साथ साथ उसको नोसिया भी शुरू हो जाती है, उबके आने शुरू हो जाते हैं। अगर ये सिम्टम्स है तो कोई भी स्किन डिजीज में ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट सिम्टम्स है मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी और अल्कोहलिज्म बेटर बाय लिस्ट ईटिंग,
मतलब कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को सुबह सुबह में नौशिया वॉमिटिंग होते हैं, या फिर कोई भी पेशेंट जिसे बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल लेने की हैबिट है और अगर सुबह सुबह उसे भी नौशिया वॉमिटिंग होते हैं और वो थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो खाने के बाद उसको रिलीफ मिल जाती है अगर ये सिम्टम्स है तो, उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट सिम्टम्स है बैकेक एग्रावेटेड बाय लिस्ट टॉर्च एंड बेटर बाय बेंडिंग फॉरवर्ड। पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड के एंड में जो कॉक्सिक्स बोन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, वहाँ पर कुछ भी टच होने से वहाँ पर पेन बढ़ता है और आगे झुककर बैठने से उसे आराम मिलता है। अगर ये सिम्टम्स है तो बैकेक में भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। उम्मीद है मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आप सब स्वस्थ रहे ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। धन्यवाद।